ओह माय गुडनेस, लुक एट दिस, कितना ये चीज़ी है, और सोचिए इसका टेस्ट कैसा होगा। तो आप ऐसा करिए, सिर्फ 10 मिनट में क्विक और इजी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले कटा हुआ है इसको डाल रही हूँ, और इसके अंदर जो है वो मैं डालूंगी ऑमलेट जो मैंने बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीम, अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ बी तहमीना अज़ीज़, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल तहमीनाज़ वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में जनाब बड़ी ज़बरदस्त सा ब्रेकफास्ट बनने वाला है, सिर्फ 10 मिनट में क्विक और इजी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले एक काम कर दीजिए, आप ये जो रेड कलर का बटन है इसको दबा दीजिए, और अगर दबा दिया तो बहुत शुक्रिया, अगर नहीं दबाया तो फिर दबा दीजिए। तो बगैर टाइम ज़ाया किए मैं आपको बताती हूँ रेसिपी। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको चाहिए होंगे ये 3 अदद अंडे, ठीक है जी, आपने 3 ले लेने हैं। दूध आपको चाहिए होगा तकरीबन 1/4 कप। अच्छा जी, चीज़ आपको चाहिए होगी ये एज रिक्वायर्ड कर लीजिए, ज़्यादा चीज़ पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, कम पसंद है कम डाल सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। अच्छा जी, शिमला मिर्च आपको चाहिए होगी, ये आपने 1/2 कप लेनी है, और इसको इस तरह से क्यूब शेप में, छोटे छोटे शेप में काट लेना है। इसके साथ आपको चाहिए होगा जनाब चॉप प्याज ले लीजिए, ये भी आप 1/2 कप ले लीजिए। टमाटर आपको 1/2 कप चाहिए होंगे बारीक बारीक कटे हुए। इसके साथ चाहिए होंगी हमें सब्ज़ मिर्चें, इस तरह से इसको बारीक बारीक काट लीजिए, ये तकरीबन आप ये देखिए इस तरह से काटें, और 2 से 3 अदद आपको चाहिए होंगी। इसके साथ हमें चाहिए होगा जनाब ब्लैक पेपर, ये आप कर लीजिए 1/2 टीस्पून, कम ज़्यादा कर सकते हैं, नमक भी 1/2 टीस्पून कर लीजिए। अच्छा जी, इसके साथ हमें चाहिए होगी ब्रेड, और इसके 6 स्लाइसेस आप ले लीजिए, इसका आपने जनाब हर स्लाइस को दरमियान से काट लेना है, ठीक है जी, ये एक ट्रिकी पॉइंट है। कैसे काटेंगे वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि इसको कैसे काटेंगे। अब लेते हैं एक प्लेट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीम, इसको जनाब रखा, और अब लिया एक ब्रेड का स्लाइस। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से आपने काटना है। आपने जनाब लेनी है एक तेज़ सी नाइफ़, ये देखिए, इसको आराम से अपने हाथ को बचाते हुए आपने इसको अंदर से काटना है, ये देखिए आप देख सकते हैं। और जैसे ही आपने इसको काट लिया, एहतियात से ब्रेड के कॉर्नर्स जो है उनको सेपरेट कर लेना है, और दरमियान वाला हिस्सा जो है उसको कर लेना है सेपरेट, ठीक है जी। इसी तरह से मैं बाकी सारे ब्रेड के स्लाइसिस जो हैं उनको भी काट लेती हूँ। अच्छा जी, सारे ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं वो कट चुके हैं, अब लेते हैं अंडे, और तोड़ के इन तमाम अंडों को इसमें डाल लेते हैं। क्या जी, अब अंडों को अच्छी तरह से हम लोग फेंट लेते हैं। अब तमाम चीज़ें जो जो मैंने आपको जितनी जितनी क्वांटिटी बताई है, दोबारा बताने की हिम्मत नहीं है, गला खुश्क हो चुका है, आपने उसी को फॉलो करना जो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया। तो चलिए जी, स्पाइसीज और सारी चीज़ें मैं डाल रही हूँ, अच्छी तरह से इसको मैं फेंट रही हूँ। सो पीपल, अब ऑन कर लेते हैं फ्लेम ये चीज़, और चेक करते हैं गैस भी आ रही है कि नहीं। चले जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गैस आ रही है। चले जी, अब पैन के ऊपर मैंने 1 टेबलस्पून बटर डाला है लो फ्लेम में, मैंने इसको अच्छी तरह से मेल्ट कर लिया है, इतने में पैन गर्म हो गया है। अब ये जो ब्रेड का स्लाइस कटा हुआ है इसको डाल रही हूँ, और इसके अंदर जो है वो मैं डालूँगी ऑमलेट जो मैंने बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डालने के बाद इसके ऊपर अप्लाई करने जा रही हूँ मैं, ये देखिए चीज़ के स्लाइसिस हैं, आप कोई सी भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जितनी आप चाहें यूज़ कर सकते हैं। सो पीपल, अब जो ब्रेड का बाकी बचा हुआ स्लाइस था वो मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, हाथ से भी प्रेस किया है इसको, स्पैचुला की मदद से या चम्मच की मदद से भी प्रेस कर सकते हैं हम, अच्छी तरह से इसको प्रेस किया, ठीक है जी। अब इसके ऊपर दोबारा से ऑमलेट जो है वो बचा हुआ वो अप्लाई कर रही हूँ, और 2 मिनट तक इसको लो फ्लेम में, जो जो इसकी दूसरी साइड है इसको मैंने पकाया है, अब इसको करते हैं फ्लिप, ठीक हूँ, और ये देखिए फ्लिप हो चुका है। अब इसको कवर करके 1 मिनट के लिए लो फ्लेम में मज़ीद पकाते हैं, ताकि अंदर से ऑमलेट जो है वो पक जाए और चीज़ भी मेल्ट हो जाए। सो पीपल, 1 मिनट हो चुका है, और लुक एट दिस ब्यूटीफुल कलर, और ये देखिए कितना मज़े का है ये।
सो पीपल, ये देखिए 10 मिनट के अंदर अंदर जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट जो है बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ क्या ये अंदर से भी चीज़ है या नहीं है। चलिए जी पूरा सबूत से बात करती हूँ। ओ माई गुडनेस, लुक एट दिस, कितना ये चीज़ी है। और सोचिए इसका टेस्ट कैसा होगा। तो आप ऐसा करिए कि मेरी इस रेसिपी को अपनी खाला पुप्पो चची नानी दादी सबके साथ शेयर कर दिए। ये बहुत मज़े का है, मुझे इजाज़त दे दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।